स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीके एचएससी नॉलेज में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि जो बॉयलर होता है, स्टीम जहाँ से जनरेट होती है, हम उसका जो प्रयोग करते हैं लाइट बनाने में या स्टीम जनरेट करने के लिए, तो उसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। ये हमारे साथ में मिली है, ये हमारे बॉयलर के ऑपरेटर हैं, जो कि हमको इस बॉयलर के बारे में बताएंगे कि कैसे बॉयलर फंक्शन करता है और क्या इसका काम करता है। तो हम बेसिक से जानेंगे, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लॉन्ग हो जाए लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेगी। हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकें। तो दोस्त, आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे जो व्यू रहे उन्हें आप बता सकें कि किस तरह से आपका बॉयलर फंक्शन करता है, क्या क्या उसमें फीड लगता है, कहाँ कहाँ से उसमें सप्लाई आती है, किस तरह का वो स्टीम जनरेट करता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो चलिए शुरू करता है, ये हम बताते हैं। ये क्या चीज़ है जो सामने पड़ा है? ये ब्रिकेट है। ये ब्रिकेट है, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? सरसों का तूरी का होता है। ये सरसों का तूरी का बना हुआ होता है। और इसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं इसका? ये हम क्रेस में पहले करेंगे। अच्छा, इसको हमारा लेने लेके और ये जो हमारा क्रेशर है, हम ये क्रेशर में इसको लेके जाएंगे, बाइक होने के टूल लेके चले क्रेशर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर क्रेशर के अंदर जाने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्रेशर है इसको क्रश करता है। क्रश करने के बाद में तो इसका जो सारा जो मीडिया है वो नीचे चला जाता है। क्रश होने के बाद में वहाँ पर हमारे जो कर्मचारी रहते हैं जो बॉयलर को उसका फीड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ब्रिकेट का पूरा बना के, वो उसको क्या करते हैं, वहाँ से भर के ऑपर में भर के, ऑपर में भरने के बाद में प्रेस होके इधर फीड करता है। ये बाहर ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा वहाँ से क्रश होने के बाद में ब्रिकेट को हमने क्रेशर के अंदर डाला। क्रेशर के अंदर डालने के बाद में ये हमारा क्रश होके एक इसमें फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से क्रेश करेंगे फिर इस वाले डालेंगे ऑपर। ये सामने ऑपर रखा हुआ है, ऑपर है और इसमें ये मोनोरेल लगी हुई है, इसका मोनोरेल में हमें टंगा हुआ है। ये क्या करेंगे, यहाँ से पूरा क्रश जो किया हुआ है उसको पूरे के इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद में इसको हम मोनोरेल की सहायता से ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पर वो सामने में एक हॉपर दिख रहा है उसमें जा रहा है। तो हॉपर कहाँ पर डालेगा, यहाँ पर आके फीड करेगा, यहाँ पर आके, ये डोजिंग हॉपर है, ये डोजिंग हॉपर के अंदर में इसमें यहाँ पर डाल देगा। यहाँ से क्या होगा कि नीचे में हमारा एक स्क्रू मैनुअली भी फीडिंग हो जाएगी और स्क्रू फीडर जो है, स्क्रू फीडर क्या करेगा अपने डोजिंग टैंक के अंदर में ले लेगा। अंदर यहाँ से ये डायरेक्ट अंदर जाएगा डोजिंग वाले में। ये डोजिंग से स्क्रू फीडर ऑटो में चलता रहता है। स्क्रू फीडर क्या करेगा, इसको आगे की तरफ में बॉयलर के अंदर में फीडिंग करता रहेगा और हमारी जो आग है वो जो लगी पड़ी है वो उसमें कंटिन्यू जलती रहेगी। ठीक है, अभी जो हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं बॉयलर, ये थर्मैक्स कंपनी का कैम्ब्लॉक, ये 8 टन का बॉयलर है। और ये जो है वो आपका वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब दोनों है। ये दोनों है और आपने नॉर्मली देखा होगा अलग अलग रहते हैं, फायर ट्यूब वाटर ट्यूब रहते हैं, लेकिन ये आपका दोनों है। ये मोनोरेल ख़राब हो जाता है बीच में, एक आध दो घंटे चलाने के लिए इसको कर। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर का ये है, ये एक मैनुअली फंक्शन के लिए बनाया हुआ है इन लोगों ने, एक्स्ट्रा रखा हुआ। अगर हमारा किसी भी तरह से इसमें मेंटेनेंस आ जाता है, अगर मोनोरेल में मेंटेनेंस आता है तो मोनोरेल में मेंटेनेंस आने की स्थिति में ये इसमें कन्वेयर रहेगी, कन्वेयर के थ्रू उसमें क्या रहेगा वो फीडिंग करता रहेगा, वो जो ये पूरा है वहाँ जाएगा, जाने के बाद में उसका फीडिंग होता रहेगा। तो आइए हम नीचे से एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। कंट्रोल पैनल के लिए बनाया हुआ है, इसके अंदर में यहाँ से जो हमारा बॉयलर को जो हम जितना ऑपरेट कर रहे हैं, मशीनरी इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं इसके अंदर, वो जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ से हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ पे लगा हुआ है सारे बॉयलर का। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारे बैक फिल्टर का पैनल है। तो ये लाइट फिल्टर का पैनल है, बैक फिल्टर अपना, बैक साइड फिल्टर, बैक फिल्टर उसका पैनल है। अच्छा, और ये सामने में किसी का पैनल है? ये वाला अपना बॉयलर का, ये बॉयलर, ये अपनी अपना
वाटर का, स्ट्रोक हीटर का, डोजिंग का, सब पर थोड़ी सारे हमारे से हुए। ये हमारा वुमेन मशीन का पीएलसी पैनल का। अच्छा, ये जो नीचे की हुई है आप में आपको बोलूँगा एक बार नीचे दिखाइए आप। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये किधर में लाइनिंग है, एक रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है, एक वर्किंग डिस्टेंस है, ये किधर में है, ये जो है वो आर प्लस के किया हुआ है। यहाँ पर आर प्लस स्टडी हुई है, उसका एक आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, ये पोस्टर है उसका जो लगा हुआ है कि बंदा जो काम करेगा तो उससे कितनी दूरी पर रहना चाहिए, ये उसका एक स्टिकर है। अगर आप लोग चाहेंगे कि आर प्लस के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं आपके लिए, तो आप उसके लिए भी हमको बोल सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसमें जो भी है अपना सजेशन दें हमको। ये हमारा पॉल्यूशन क्लियर पैनल है। अच्छा, ये जो है वो मेनुअली ऑनलाइन चलता रहता है। हाँ। पॉल्यूशन जो हमारा चिमनी का धुआं निकल रहा है। अच्छा, उसके ऑनलाइन ये थ्रू चेक होता रहता है। डीजल का है, बोरवेल का है, बोरवेल के लिए है, सारा लाइट दिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसके कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे, बॉयलर पे क्या क्या फंक्शन हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। ये जो है वो है एफडी फैन। एफडी फैन का क्या काम रहता है, जो हमारे इसमें आपका मीडिया गया हुआ है जो हमने पूरा दिखाया था आपको देने के लिए, वो आग जलाने के लिए हवा दे रहा है, यानी कि आग को और भड़का रहा है एफडी फैन के कारण। आस भर जाती है क्योंकि हमारा मीडिया इसमें जल ही रहा है, भरने के बाद में तो उसका वेस्ट हो रहा है, जो आस ओवर हो जाएगी उसको निकाला जाता है। जो ब्रिकेट अपना ग्रेस होके जाता है, बिल्कुल वही जल जाता है तो वो राख बन जाती है, तो राख नीचे गिरता है। इसका जो स्क्रू फीडर आप बता रहे थे, स्क्रू फीडर की अगर बात करें तो ये आपका डोजिंग का है, जैसे डोजिंग में माल आता है डोजिंग, ये फिर यहाँ से स्क्रू फीडर वहाँ से लो ऊपर नहीं देखते आउट हो।
बॉयलर से जो है, बॉयलर से जो है मीटर चलने के बाद में जो उसके डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो भी उसका डस्ट टुकड़ा होता है वो इसके इकोनोमाइजर में आता है। इकोनोमाइजर में से आते वो कुछ इकोनोमाइजर का यहाँ पे चल जाता है, मोटा मोटा इधर मोटा मोटा इधर चल जाएगा, मोटा मोटा जो पार्टिकल रहेगा वो आपका इधर में गिर जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा मोटा डस्ट रहेगा तो यहाँ गिर जाएगा। अच्छा, और जैसे नॉर्मली है, जैसे हल्का एकदम है तो आईडी के थ्रू अपने सिमनी के हिसाब से इधर चला जाएगा। ये फीड पंप है, ये जो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर ऊपर में आपका फीड पंप फीड टैंक है, फीड वाटर टैंक लगा हुआ है, उसमें से पानी को ये दोनों पंप क्या कर रही हैं, वो फीड पंप है वो, उसमें से ये दोनों पंप क्या कर रही हैं, पानी ले रही हैं, पानी ले रही हैं, और हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर में जो वाटर ट्यूब है उनमें हमारा ये पानी दिया जा रहा है इसके थ्रू। हमारे ट्यूब का ज्यादा दिन तक चलाने के लिए काम करता है। आगे में ये कौन सी यूनिट है जी? एक ड्राइवर ऐसे बोलते हैं। इसका क्या काम करता है ये? जैसे इवनिंग ज़्यादा रात हो जाए उसके लिए मेन ऐसे लगा रहे हैं। ये तो है आपका, और इसका तो एक और मोटा मार्जिन हो जाए यार, ये कुछ तो हमने कवर कर लिया, कुछ मजा जी जी इतना मार्जिन है उधर से भी आगे तो हल्का उससे मोटा कर रहेगा, आगे जाएगा। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये जो छोटी यूनिट है ये है साइक्लोन, ये साइक्लोन है। इसके बाद में जो बड़ा सा यूनिट आप देख पा रहे हैं वो है आपका बैक फिल्टर। तो इनका दोस्त बैक फिल्टर का और साइक्लोन का क्या काम रहता है? ये जैसे हमारा बैक फिल्टर है पॉल्यूशन को रोकने के लिए बैक फिल्टर लगाया जाता है, जो हमारा ये जो धुआं हमारा काला रहता है जो, इसलिए बैक फिल्टर लगाया जाता है। जो हमारे चिमनी के थ्रू जो गैस भी जा रही है, धुआं जो जा रहा है निकल के, वो कम से कम रहा है, उसमें पार्टिकल नहीं जाए और पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा बैक फिल्टर काम करता है। ऐसे ही हमारा ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन का काम ये रहता है कि इसके अंदर से जो बॉयलर में से जो गैस और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो आ रहे हैं निकल के फ्यूल जलने के बाद में, उसमें से मोटे मोटे पार्टिकल जो है वो नीचे गिर सके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो सामने इसके नीचे गिरे हुए हैं, और इसमें से केवल और केवल एक हवा जा रही है, हवा निकल के जा रही है, वो भी जो हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित नहीं करे। जैसे कि इस बाजू में ही आप देख पा रहे हो एक चिमनी है, ये हमारे बॉयलर का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो अपना ऊपर में निकल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस आईडी है, और इसी का एक ये जो आईडी है, अब जब इसमें साइक्लोन में से और बैक फिल्टर में से जो एयर है उसको ये ऊपर में भेज रहा है, आईडी फैन जो है वो ऊपर में निकाल के भेज रहा है चिमनी के थ्रू, फोर्स कर रहा है निकलने के लिए। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ जो हमारे चैनल पर नए आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल।